सो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी मूवी वेबसाइट के बारे में, जो कि है हमारी आज की फाइनल वीडियो। जो फाइनल वीडियो की होने वाली है, क्योंकि इसमें हम इसको लाइव करने वाले हैं अपनी साइट को, वो भी एकदम फ्री में, डोमेन होस्टिंग दोनों फ्री में। बट इसके डिसएडवांटेजेस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपकी साइट जो है काफ़ी स्लो लोड होगी और काफ़ी स्लो चलेगी, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लाइव होने में। ठीक है, फिलहाल मैंने जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक बार लाइव करके देखी थी, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। crossinma.html खोलूँगा तो आप देख सकते हैं इधर मेरी साइट खुल गई है। ठीक है, ये पर, और जैसे ड्रामा पे क्लिक करेंगे तो हमारी सारी कोडिंग वगैरह अभी तक सही वर्क कर रही है। ठीक है, और हम अगर एडमिन पैनल इसका खोल के देखें, ठीक है, अगर एडमिन लॉगिन डॉट पी एच पी, तो ये लॉगिन मांगेंगे हमसे, फिर तालेब और 123 डालेंगे तो ये लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैटेगरी वगैरह, अब हमें कोई मूवी ऐड करनी है तो हम यहाँ से अपनी एक मूवी भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मूवी का नाम डेड रख देते हैं, 123 123 123 123, और डेट कोई भी रैंडम डेट डाल देते हैं, 123 23 12, ओके 11 जेन, ओके देन चूज फाइल, हम कोई भी अपने एक वही डाल देते हैं थंबनेल, देन सबमिट। ठीक है, तो ये सबमिट हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये डेड वाली करके आ गई है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉसिनमा पे जाएंगे, crossinma.ml पे। तो अब यहाँ देख सकते हैं लास्ट में हमारी ये साइट हो रही है। ठीक है, और अगर मैं आपको फ़ोन में दिखाऊँ तो आप, तो दोस्तों फ़िलहाल हमारी जो फ़ोन पे साइट है ये कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, और ये कुछ ऐसी हमारी साइट दिख रही है, और अगर हम इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड पे भी हमारी साइट जो है, एक सेकेंड ये थोड़ा सा ही वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गए, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये हमारे डाउनलोड बटन आ गए। ठीक है, फिलहाल ये 404 पेज आप मैनुअली बना सकते हैं, बट इधर अगर आप कोई 404 का एरर आएगा तो वो इन्फिनिटी ब्री अपने में ले लेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी साइट कुछ ऐसी दिख रही थी। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें इसको लाइव करना है। ठीक है, तो लाइव करने के लिए कहाँ लाइव करेंगे, डोमेन वगैरह कैसे परचेज करना है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, फ्री में बताऊंगा एकदम। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ लगानी पड़ेगी, क्या हमारे जो फेव आइकन है, फेविकॉन या फेव आइकन ही बोलते हैं शायद इसे, जो भी है, तो ये हमारा अभी तक शो नहीं कर रहा, मतलब शो के हमने लगाया ही नहीं है, तो शो कहाँ से करेगा, है ना? तो चलते हैं फिर दूसरे टैब में, हम इसमें पहले एक बार फेव आइकन लगा देते हैं लोकली। ठीक है, तो इधर लिखते हैं फेव आइकन जनरेटर। ठीक है, अब जनरेटर ने क्यों डाला, वो इसलिए क्योंकि इसका एक जो परफेक्ट साइज़ होता है, उस साइज़ के बेस पर हमें इमेज चाहिए होती है 16:16 करके। तो इससे क्या होता है, जो हम टूल यूज़ करते हैं इससे पिक्सल ज़्यादा फटते नहीं, और वो सही हर पेज में सही दिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ, एक सेकेंड, ये शायद नहीं है वो साइट जो मैं यूज़ करता हूँ। ओके, ये तो वो साइट नहीं है, देखते हैं एक और बार। ओके, ये वाली साइट है वो, आप चाहो तो इस वाली को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल डिक्सी, जैम्प और एचटी टॉक्स में क्रॉस सिनेमा इमेजेस और ये लोगो। ठीक है, इसी लोगो को हम करने वाले हैं। अब क्रिएट फेव आइकन करेंगे, तो ये हमारा जो फेव आइकन है ये हो चुका है। ठीक है, अब डाउनलोड जनरेटेड फेव आइकन यहाँ कर देंगे, तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ये जिप फाइल होगी, इसमें काफ़ी सारी आपको फेव आइकन मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी अलग अलग साइज़ के मिलेंगे, हम देख सकते हैं इधर काफ़ी अलग अलग साइज़ है। तो हम एक एप्पल आइकन, एप्पल आइकन ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक 16:16 वाली इमेज होती है, ये रही। ठीक है, इस वाली इमेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ पर, लोकल डिस्क सी में। ठीक है, रैम्प में, एचटी डॉक्स में, क्रॉस सिनेमा में, कहाँ, इमेज वाले फोल्डर में। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब एक बार यहाँ चलते हैं फाइल मैनेजर में, और डाउनलोड नहीं, ये भी नहीं, ये वाला। ठीक है, जैम्प, एस टी डॉक्स और क्रॉस सिनेमा।
इमेज। तो ये जो हमारा फेवैगन आ गया, अब इसी को हमें यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, आप चाहो तो कुछ और भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से, कोई दूसरा मतलब लोगो ये यूज़ करके कुछ और फेवैगन वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं जल्दी से सबलाइम को ओपन कर लेता हूँ, सेकेंड सबलाइम को ओपन कर लिया और जैम्प को भी। ठीक है, ओके, अब हम हेडर वाले सेशन में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फेवैगन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका कोड भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, वैसे उसका आइकन करके ही होता है, लिंक रिलेशन फेवैगन। ठीक है, ओके, w3.org से देख लेते हैं। ओके, लिंक रिलेशन आइकन और यहाँ लोकेशन देनी। ठीक है, सब लाइन में चलते हैं और इधर इसको कर देते हैं पेस्ट, एक लाइन में ले आते हैं इसे। अब ये जो क्या कहते हैं इमेज है, इसकी जगह हम बस एड्रेस दे देते हैं क्या, img/, और हमारे जो है इसको रिनेम करते हैं फेव। ठीक है, फेव से रिनेम कर देते हैं इमेज fav.png, कंट्रोल एस करेंगे। अब हम एक बार इसको लोकली क्रॉस सिनेमा को रन करेंगे, लोकल होस्ट क्रॉस सिनेमा। तो आप देख सकते हैं इधर ये फेवैगन आ गया। आप चाहो तो इसको कुछ और तरीके से भी, अलग अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, या कुछ और फेवैगन वगैरह लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो। मैंने जस्ट बताने के लिए कि फेवैगन कैसे लगाते हैं तो इसलिए मैंने करा है। और हाँ, मैं जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैंने एक मेटा टैग जो होता है उसको इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, कहीं भी इंक्लूड नहीं करा है, तो वो तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमें कुछ मेटा टैग चाहिए होंगे। जैसे डाउनलोड वाला पेज का, हमारा डाउनलोड वाले पेज पे चलते हैं और हमने इधर कुछ मेटा ये वाले ऐड करे थे। ठीक है, इन तीनों को हम करेंगे कॉपी और हेडर में आके इधर भी यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन हमें क्या देना है, अपनी तरफ से इधर मैनुअली लिखना पड़ेगा, डाउनलोड ऑल मूवी फ्रॉम क्रॉस सिनेमा विथ डायरेक्ट लिंक। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ भी अट्रैक्टिव से लिख सकते हैं। ठीक है, और टैग्स यहाँ पर आप जो भी मूवी वेबसाइट के टैग्स होते हैं, ऐसे हम यहाँ टैग जनरेटर से टैग लिख लेते हैं, टैग जनरेटर keyword.io। ओके, ये फिलहाल है तो ये YouTube के कीवर्ड्स का टूल, लेकिन आप अपनी मर्जी से यहाँ लिख सकते हैं। ओके, यहाँ गूगल का भी शायद ऑप्शन है इधर, मूवी वेबसाइट। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, क्लाउड फ्लेयर है। अब देखते हैं, तो आप ये सारे कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, मूवी वेबसाइट, मूवी वेबसाइट काफ़ी सारे कीवर्ड हैं, तो इनको यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ अगर हम पेस्ट करें तो ये कीवर्ड कुछ इस तरीके के आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे हमें नहीं लिखना है, तो एक कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। अब यहाँ सबके आगे आगे ऐसे ऐसे आप कर्सल रख दीजिए, ताकि हम कॉमे लगा सकें, कॉमा जो कॉमे जो भी होता है वो हम लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए हैं वैसे तो, है ना। तो एक काम करते हैं, कुछ नॉर्मल से कीवर्ड उठा लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसे ये हो गया, यहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ 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 ओके, अब यहाँ कॉमे लगा देंगे। अब एक यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा हो गया था, तो हम इनको कॉमे लगा के, या आप डायरेक्टली भी मे भी पेस्ट कर सकते हो। इसका मेरे को थोड़ा लॉजिक कम मतलब लॉजिक नहीं पता कि कैसे वर्क करेगा ये कंटेंट वाला, लेकिन फिर ये हमने ये कॉमे लगा दिए। ठीक है, कंटेंट ऑथर जो है हमारा तालिब खान ही है। ठीक है, फेवैगन लग गया, अब इसको कंट्रोल लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये हर पेज में जाएगा ही जाएगा, ये कंटेंट तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, हमें पहले क्या करना होगा, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, और कंट्रोल एस करके इसको डालना पड़ेगा इंडेक्स वाले में। अब क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ
इंडेक्स वाले में मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए। कंट्रोल एक्स करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारी पूरी जो फाइल है वो रेडी हो गई। सेव ऑल, एक सेकेंड, जो कहाँ गए ये रहे, इनको क्लोज करते हैं। नो, अब इधर से हम सेव ऑल कर देते हैं जिससे हमारी सारी फाइल एक साथ सेव हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ किसको। सबसे पहले हम डोमेन लेते हैं कि डोमेन हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने जो ये लिया crossinva.ml, ये भी फ्री वाला है। आपको पता होगा 5 ऐसे डोमेन है जो हम फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फ्री नॉम पे। ठीक है, और ये वाली जो है इस साइट को हम ओपन करेंगे। ठीक है, बट एक्चुअली मेरा जो गूगल अकाउंट है वो दूसरा वाला है, तो मैं जरा दूसरा वाला ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये वाला मेरा जो यूज़र है, इसमें एक्चुअली मैंने इसमें साइन इन कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट साइन इन करेंगे, साइन इन जो भी है। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं गूगल अकाउंट से साइन कर लेता हूँ। तो ये वाला जीमेल यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ फिलहाल एक नाम आ गया है कैटरीन करके। फिलहाल हम क्या करेंगे, रजिस्टर अ न्यू डोमेन करेंगे सबसे पहले, और फिर अपना एक डोमेन रजिस्टर करते हैं क्रॉस सिनेमा के लिए। तो इधर देख लेंगे हम मेरा कौन कौन सा एम एल, तो एक्चुअली मैंने ले चुका हूँ मैं। ठीक है, तो दूसरा वाला डोमेन हम यहाँ से लेंगे। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लेना है, क्रॉस सिनेमा .ml। मैंने इस बार आप ध्यान देना कि दो ए लगाए हैं, डबल ए लगाया है crossinva.ml में। ठीक है, तो ये इतनी देर में क्यों लोड हो रही है यार इमेज। चेक अवेलेबिलिटी कर दिया है आप, लेकिन अगर आप एडसेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको कि टी टॉप लेवल डोमेन होते हैं वो लेने पड़ेंगे आपको। अब जैसा आप देख सकते हैं crossinva ये मेरे को फ्री मिल रहा है। ठीक है, मैंने सिलेक्टेड भी हो गया हमारा crossinva.ml डायरेक्ट डाल के। आप टी के जी ए सी एफ और चार दो डोमेन और होते हैं, तो आप वो फ्री में ले सकते हैं। और यहाँ मैं 3 मंथ की जगह क्या कर देता हूँ, 12 मंथ कर देता हूँ फ्री में। ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ओके, वेट करते हैं, आई हैव रीड कर देते हैं, देन कंप्लीट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा ये ऑर्डर नंबर है, बट ये मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि ये मैं नहीं दिखा सकता। और इधर हम चलते हैं क्लाइंट एरिया में। एक सेकेंड, ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया, ये इंजीनियर के 401 ऑथोराइज रिक्वायर्ड आ रहा है। तो मैं सब नहीं, माई डोमेन्स में जाना चाहिए था, माई डोमेन में चलते हैं। और यहाँ जो ऊपर वाला है इसको, बाकी नीचे वाले को मैं ब्लर कर रखा है मैंने, तो ऊपर वाले पे ही हम चलते हैं। तो इधर आ रहा है मैनेजिंग crossinva.ml। ठीक है, अब हमारा ये एक्टिव हो गया, डोमेन जो है हमारा एक्टिव है, बट इधर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पहले तो इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। अब हमें कहाँ जाना है, जैसे ये जो साइट खोल रखी है मैंने, इसी का मैं बताता हूँ। इन्फिनिटी फ्री से हम लेने वाले हैं, इन्फिनिटी फ्री। ठीक है, हम ये लिखेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ जाएगा, क्लाइंट एरिया पे क्लिक करना। ठीक है, और ये तो मेरा लॉगिन हो गया, आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट लॉगिन हो गया है और ये मेरी जो है साइट है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्रिएट अकाउंट वाला बटन पे क्लिक कर देना, एंड देन कस्टम डोमेन पे क्लिक करना और ये crossinva.ml। ठीक है, देन सर्च डोमेन। ठीक है, अकाउंट यूज़र नेम ऑटोमेटिकली, पासवर्ड आपको कुछ डालना अपनी मर्जी से, तो वो हम डाल लेते हैं। देन आई एम नोट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट अकाउंट पे। तो ओके, अब इधर हमारा एक वैलिडेशन एरर आया, क्या है कि हमारा डोमेन है वो नेम सर्वर पे, इन वाले नेम सर्वर पे नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस नेम सर्वर को कॉपी करेंगे, कॉपी, और चलते हैं अपने इसमें और नेम सर्वर, ये जो मैनेजिंग टूल है, इधर नेम सर्वर पे क्लिक करना और यूज़ कस्टम नेम सर्वर। ठीक है, अब इधर नेम सर्वर
वन और इधर नेम सर्वर टू, ठीक है। चेंज नेम सर्वर कर देना है हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा कि नेम सर्वर चेंज हो गए हैं। और ये 24 आवर्स भी ले सकते हैं चेंज होने में, मतलब अपडेट होने में, तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे तो इधर मतलब ये आपको बताएगा, लेकिन अगर आपका इधर कुछ एरर आ रहा है तो वो चीज़ आप बाद में क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद ट्राई करना तो हो जाएगा, ठीक है। देन दोबारा मैंने पासवर्ड डाला, अब क्रिएट अकाउंट करते हैं। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, यूज़र नेम आ गया। अब व्यू क्लाइंट एरिया और ओपन कंट्रोल पैनल दोनों आ गए, तो मैं ओपन कंट्रोल पैनल कर देता हूँ और व्यू क्लाइंट एरिया भी, ठीक है। तो क्लाइंट एरिया में ये सब आ गया, मेरी FTP डिटेल्स आ गई, MySQL आ गया और अकाउंट की डिटेल्स आ गई। और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट में यहाँ कुछ एरर लेगा तो नोटिफाई सर्विस अकाउंट स्टेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब आप देख लेना, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। मैंने डायरेक्ट आया अप्रूव कर लिया। देन थोड़ा वेट करते हैं। टैंक द पैनल विल नाउ लोडेड, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक कंट्रोल पैनल, पूरा कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, ठीक है, जो आप होस्टिंग परचेज करते हो उसी का, ठीक है। तो अब यहाँ आपको साइट कैसे अपलोड करनी है वो मैं आपको बता दूँ। देन आपको क्या करना है, इधर आना है फाइल मैनेजर में, ठीक है, और लोकल डिस्क सी में, रैम्प में, HD डॉक्स में, और जो क्रॉस सिनेमा वाला आपका फोल्डर था, ठीक है, उसको चेंज करने से पहले आपको क्या करना है, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट या जिप फाइल जो भी कह लो आप, बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, MySQL इधर सर्च करना है, तो MySQL का आपका डाटाबेस आ जाएगा, ठीक है। देन इधर आपका अभी कोई डाटाबेस नहीं होगा, तो आप इधर लिख दीजिए क्रॉस सिनेमा, ठीक है, तो ये डाटाबेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये डाटाबेस आ गया। अब इधर यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह है, ठीक है, होस्ट नेम, यूज़र नेम और डाटाबेस नेम, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इधर आना है और इधर आपका जो एक DB वाला था, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हेडर वाले फाइल में आना है। हेडर 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 का हेडर हो गया, यहाँ से खोल लेते हैं। अरे अच्छा, हेडर ही खुला है ये, सॉरी, ठीक है, हेडर ही खुला था। तो यहाँ DB ये जो हमने बाहर करा था, हम इसको बाहर नहीं करेंगे, हम इसको इसी में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो db.php, ठीक है, और इधर हमने एक फ़ाइल बनाई है db.php के नाम से, ठीक है, तो इसमें वही वाला था जो हम लोकल के लिए कर रहे थे। अब हम पहले यूज़र नेम डालते हैं, ठीक है, यूज़र नेम आ गया यहाँ रूट वाले फोल्डर में, ठीक है। और पासवर्ड के लिए बोल रहा है योर वी पैनल पासवर्ड, मतलब वी पैनल का पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो वहाँ से हमें पासवर्ड मिलेगा, तो वो भी हम डाल लेंगे। सबसे पहले हम क्रॉस सिनेमा पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ क्रॉस सिनेमा पे यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। क्रॉस सिनेमा हो गया, हमारा यूज़र नेम हो गया। अब होस्ट नेम, तो होस्ट हमारा APZ वाला जो नाम है, इसको लोकल होस्ट में डाल देना है, ठीक है। अब बचा हमारा क्या, पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, इधर आएंगे और ये जो हमारा अकाउंट है इसमें नीचे एक वो है, ठीक है, MySQL का, तो इधर डिटेल है कुछ, आप शो हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे, तो इसमें ना हमारा डाटाबेस जो है वो इधर चल गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इधर आना है और इसको कॉपी करना है, पहले तो फोल्डर को कॉपी करेंगे और इधर आना है एक कई नई जगह, जैसे पिक्चर में आ गया मैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन, कुछ भी एक फोल्डर बना लो, वैसे आप कहीं भी ये काम कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो वहाँ पर जैम में भी कर सकते थे, बट मैं क्लियर समझाने के लिए आपको इधर लाया हूँ, ठीक है। तो मैंने क्रॉस सिनेमा को क्या करना है, विनरार आपके PC में हो सकता है कि विनरार आपके PC में हो ना हो या आपके ऊपर है, अगर हो तो अच्छी बात है, ना हो तो डाउनलोड कर लेना, 2-3 MB की एप्लीकेशन है। देन उसको एड टू अचीव करना है और यहाँ से जिप फाइल में crosscinema.zip करके ओके कर देना है, ठीक है, तो इसकी एक जिप फाइल बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इधर आना और इधर फाइल जिला डाउनलोड लिखना है और यहाँ से फाइल जिला को डाउनलोड करना है, ये आप अपनी 64-bit और 32-bit अपने उससे कर लेना, ठीक है। यहाँ आके जो डाउनलोड फाइल जिला क्लाइंट है, इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों को रखा, आपको सिंपल क्या करना है, ये नॉर्मल एक सेटअप की तरह होगा, तो आपको चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है, बताने के लिए। देन मेरी फाइल जिला वाला
ओके, ये रहा मेरा फाइल दिल्ला। ठीक है, इसको रन करेंगे। आई एग्री, देन ऐड, रिमूव, डी इंस्टॉल एनीवन। ठीक है, देन सिंपल से इसको ये इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो गया, अब देन फिनिश करेंगे तो ये फाइल दिल्ला डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इधर आना है पहले, तो ऊपर करना है। आप अगर यहाँ से देखो अपलोड करना चाहो तो एक बार यहाँ से ट्राई कर लेना, अगर आपको अपलोड हो। ठीक है, यहाँ पर ये फाइल मैनेजर खुलेगा, एसटी डॉक्स मिलेगा आपको, इधर दो फाइल मिलेंगी। तो इधर लिखा फाइल अपलोड, जो भी है इधर आप फाइल अपलोड करना। मैं फ़िलहाल इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फाइल दिल्ला का, फिर तो इसको हाइड कर देता हूँ। ये FTP जो डिटेल्स है ये आपको यहाँ पर फिल करनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले होस्ट देखते हैं। तो होस्ट नेम है ये, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। अब यूज़र नेम, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, देन पासवर्ड, इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ कर देंगे पेस्ट। और एक सेकेंड, ये शायद सही पेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको दोबारा से कॉपी करेंगे उतना ही जितना पासवर्ड है, देन पेस्ट कर देंगे। एंड जो पोर्ट है वो 21। अब तक कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा कनेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है, अभी बता देगा हमारा। तो ये कनेक्ट हो गया, आप इधर देख सकते हैं हमारी वो फाइल्स है जो हमारे फाइल मैनेजर में थी। अब एसटी डॉक्स को ओपन करना है। ठीक है, और इधर फ़िलहाल मेरी जो पहले वाली जो थी हमारी क्या कहते हैं इसे, पहले वाली जो फाइल मैंने अपलोड करी थी वो है। तो एक सेकेंड, इधर डिसकनेक्ट हो गया ये। अब मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ पहले तो। क्या अभी दोबारा कनेक्ट हो गया है, पहले डिसकनेक्ट हुआ था। ठीक है, देन मैंने कहाँ डाला था, पिक्चर्स में डाला था मे बी, तो पिक्चर्स में चलते हैं। ठीक है, ये क्रॉस इन में। अब आप यहाँ से जिप डाल के वहाँ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन और सिंपल काम बता रहा हूँ ताकि आपको एक्सट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, आप सिंपली इन फाइल्स को उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, ये भले थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, 56 फाइल, 55 फाइल, ये थोड़ा टाइम लेगा, बट ये काम भी वर्क कर जाएगा और ये आपको ईजी पड़ेगा उनके मुकाबले। ठीक है, क्योंकि जिप फाइल वगैरह एक्सट्रैक्ट वगैरह करने के मुकाबले आपको ईजी पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। आप लेकिन चाहो मैं आपको दूसरा तरीका भी एक बताऊँगा। ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी बार क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम फेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। ठीक है, जो कि मैंने भी करा था, हो गया था, बट काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम बाद हुआ था, इस वजह से मैं आपको वो तरीका नहीं बता रहा जिप फाइल वाला। बट मतलब तरीका बता रहा हूँ, बट आपको प्रेफर नहीं कर रहा कि आप वो तरीका अपनाओ, आपके लिए ये तरीका भी बेस्ट है। ठीक है, देन होल्ड करते हैं इसको थोड़ा, 4 3 2 1। ओके, तो टोटल हमारी जो 55 फाइल थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सेकेंड में भी हमने, ओके इधर चलते हैं हम पहले तो। ठीक है, अब इधर फाइल मैनेजर ये रहा, अब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हमारी सारी फाइल्स आ जाएंगी। अब एडमिन वाला खोलते हैं हम, और एडमिन का जो हमने एक डाटाबेस फाइल थी वो में भी हमने एडिट नहीं करी, उधर लोकल वाला ही डलेगा। ओके, ये हमारा लोकल वाला डला है। ठीक है, तो इसको क्या हक करते हैं हम, इधर चलते हैं और इधर से इस वाले को हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, फिर इधर आके कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, देन ऑटो सेव कर देते हैं हम और इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, देन एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि ये हमारी साइट चल रही है या मतलब हो गई है लोड या नहीं। तो ओके, ये हमारी साइट जो है प्रॉपर लोड हो चुकी है, पर इसमें क्या दिक्कत है कि अभी हमारा डाटाबेस नहीं आया। अब वो क्यों नहीं आया, आप सोच रहे हो हमने डाटाबेस कनेक्ट तो कर दिया बट आया क्यों नहीं। तो वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि हमने जो इधर टेबल्स बनाई थी वो अभी हमने PHP MyAdmin में, इसके PHP MyAdmin में नहीं डाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे डालेंगे, पहले एडमिन वाला क्लिक करेंगे। ठीक है, देन इधर से हम इम्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इधर आना है, लोकल होस्ट खोलना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले की एक वीडियो में बताया था कि डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम दूसरे टेबल में, तो वो चीज़ ही हम यहाँ करने वाले हैं। अब यहाँ क्रॉस इन में भी क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको सब ऐसे छटना है, इसको CR कुछ भी दे के कर सकते हो आप। ठीक है,
यहाँ देख क्रॉसिंग में पहले वाली ले लेता हूँ, ठीक है। अब देन एसक्यूएल, ठीक है ठीक है, क्विक वाला कर देते हैं, गो पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी एक एसक्यूएल की फाइल आ गई है, ठीक है। अब इधर आते हैं और इधर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, या ये तो नहीं हुई ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है कोई बात नहीं। इधर आते हैं डाउनलोड में, क्रॉस सेंड में ये जो हमारी वन वाली है इस वाली को ओपन कर देते हैं। सब कुछ आपको एज इट इज एज ही रखना है, कुछ नहीं छेड़ना, एंड देन गो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है डाटा को इंपोर्ट होने में, आप जैसे इधर देख सकते हैं इधर थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ वीडियो को थोड़ा कर देता हूँ पॉज, ताकि आपका भी टाइम बचे। सो ओके गाइज, तो अभी फ़िलहाल इधर टेबल इंपोर्ट हो गए हैं मेरे सारे, और इसमें डाटा भी मैं आपको दिखाऊँ तो डाटा भी प्रॉपर आ चुका है, ठीक है। ये हमने जो पासवर्ड इनक्रिप्ट वगैरह करे थे ये वो आ चुके हैं, बट इधर अभी भी क्या दिक्कत है कि इधर एक तो डाटा नहीं आएगा, और मैंने कि कहते जितनी भी रो इफेक्ट हुई थी तो मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना, मतलब एक बस येलो सा ऐसा आउटपुट आएगा, तो वो चीज़ आप देख लेना। फिलहाल अगर मैं इधर आके इसको रिफ्रेश भी करता हूँ तो इधर मेरा जो डाटा है वो नहीं आएगा, एडमिन पैनल पे आप जाके देखेंगे तब भी वो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं जब तक आपको फ़ोन में दिखाता हूँ आपको एक और एरर जो होता है वो आपको फिक्स करवाता हूँ क्या। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ क्रॉस सिनेमा 2.lml, तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर साइट एकदम वैसी ही दिख रही है जैसी डेस्कटॉप पे दिख रही है। आप चाहो तो इसको भी यूज़ में ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पहली वाली साइट की तरह चाहिए। तो उसके लिए हम बस क्या करेंगे, आते हैं वापस, क्या कहते हैं इधर अपने डेस्कटॉप पे, और न्यू टैब पे क्लिक करेंगे हम, और इधर हम क्लिक कर देते हैं क्या, सॉरी, व्यू रिपोर्ट लिंक, सॉरी मेटा व्यू रिपोर्ट डालना था, मेटा व्यू रिपोर्ट HTML, मैं पता नहीं क्या ही डालना था, ठीक है। देन इधर करते हैं, अब नीचे आते हैं और ये वाला जो कोड है स्केल वन वाला इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और आएंगे इधर फाइल मैनेजर में, हमें सिर्फ ये फ्रंट एंड क्या है, एक सेकेंड, ये होस्ट वगैरह दोबारा मांग रहा है, तो होस्ट पहले तो इस वाले को छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, एक सेकेंड, क्या क्या है इसके पास, होस्ट चाहिए और इनिशियल डायरेक्टरी तो ऐसे छोड़ दो, होस्ट चाहिए ना बस इसे, तो होस्ट नेम ये डाल देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके सॉरी मैंने गलत डाल दिया, एक्चुअली होस्ट नेम ये आना था FTP का, ठीक है। अब मैंने SQL का डाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। देन ये आ गया हमारा, HTDocs पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से वापस इसको कॉपी कर लेंगे, और HTDocs में आके ये जो हेडर वाली फाइल है इसको एडिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने टाइटल दिया है यहीं पर ये डाल देते हैं, ठीक है। और हेडर वाली फाइल में क्रॉस सिनेमा है, चलो कोई नहीं, इसको आप देख लेना, देन सेव कर देंगे इसे। अब मैं आता हूँ दोबारा से अपने फ़ोन में, ठीक है, रिकॉर्डिंग दोबारा चालू करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो वीडियो मेरे को पॉज करनी पड़ेगी और मैं नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। तो फिर मिलते हैं कल, ठीक है। सो दोस्तों, अब थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया था, आई मीन इवनिंग का टाइम है, और इवनिंग में मेरी साइट को मतलब पूरा बिल्ड होने में, पूरा मतलब डाटाबेस वगैरह कनेक्ट होने में टाइम लग गया। तो अब आप देख सकते हैं, जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ और अब डोमेन भी देख सकते हैं, डोमेन मेरा डबल ए वाला है जो कि मैंने अभी न्यू लिया था, क्रॉस इन मा डॉट एम एल, ठीक है। सब चीज़ें हमारी सही वर्क कर रही हैं, अब जैसे ड्रामा वगैरह भी क्लिक करके देखेंगे तो हमारी वही मूवी आ जाएंगी जो हमारी है, ठीक है ना। तो फिलहाल चलते हैं होम पे और डाउनलोड वाला क्लिक करके देखते हैं, तो ये पहले भी करा था हमने, ये टेस्टिंग वाला देखते हैं, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड आ जाएगा, और इधर जब इसको पेज नहीं मिलेगा तो 404 का एरर बता देगा।
तो गाइस ये इवनिंग हो गई है बेसिकली, मैंने जैसे ये अभी आपको बताया मोबाइल स्क्रीन में, ठीक है। देन अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी साइट को जो है सर्च कंसोल में डालने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं क्या कहते हैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी साइट में मेरा साइड बार जो था, ठीक है, हमारा जो साइड बार था वो मैंने पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। बट आपको सर्च के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो होगा हमारा नेव बार में, या एक अलग से मैं सर्च के लिए एक और नेव बार की तरह कुछ और बना दूंगा जिसे आप सर्च कर सकते हैं, या अगर ना बनाओ तो आप अपनी मर्ज़ी से। मैंने ट्यूटोरियल इसी वजह से दिए कि आप इसको अपनी तरह से कस्टमाइज़ कर सकें। और एक और चीज़ गाइस कि अगर आपको रिस्पॉन्सिव में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको फ्रंट एंड में कोई दिक्कत आ रही है, तो यार आप अपनी तरफ से उसमें कुछ भी मैनुअली एडिट वगैरह कर सकते हो। जहाँ आपको जैसे कोई नेव बार में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैंने अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है। सबके लिए जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको फ्रंट एंड में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं फ्रंट एंड पे फोकस नहीं करूँगा, ठीक है ना, अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो यार आप अपनी मर्ज़ी से कोई और फ्रंट एंड फ्रंट लुक आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। देन हमारी साइट भी जो है व्यू रिपोर्ट से, हमारी साइट जो पहले अलग दिख रही थी वो अब सही दिख रही है, रिस्पॉन्सिव दिख रही है जैसी हमारी दिखनी चाहिए। तो मैंने खोल लिया अपना दूसरा यूज़र। अब इधर क्या करना है, हमें क्लाउड फ्लेयर पर जाना है, ठीक है। पहले तो क्लाउड फ्लेयर, ठीक है, अब cloudflare.com पे आना है। तो ये आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री में। अब वो कैसे चेक करेंगे, हम पहले इधर साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या मिल सकता है, आप सर्च कंसोल वगैरह में आपको जो DNS वगैरह मिलेंगे तो वो सब आपको इधर काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करते हैं, तो पहले ईमेल एड्रेस retuli@gmail.com, पासवर्ड देन क्रिएट अकाउंट करते हैं। ओके, उसे सेव कर लेते हैं। लेट योर टीम ओके गेट स्टार्टेड इस वाले पे। अब साइट देनी है हमें cross.cinema.ml, ठीक है, सॉरी AA.ml, अब इधर सेलेक्ट प्लान का आएगा, ठीक है। तो 20 18 टच वगैरह वगैरह इसको स्लाइड करो, यहाँ पर ये फ्री वाला है तो $0 में फ्री में कर सकते हैं हम, ठीक है। अब DNS रिकॉर्ड वगैरह के बारे में, ये तो इधर आते हैं हम नीचे। तो ये वाला जो है हमारा TXT वाला, ये ऑलरेडी एडिड है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसे, आपको यहाँ कोई DNS वगैरह नहीं मिलेगा पहले तो, ठीक है। अब ये मेरा कहाँ से आया ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इधर चलते हैं और इधर खोलते हैं सर्च कंसोल, ठीक है। सर्च कंसोल खोला, अब यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। ये मैं बेसिकली आपको क्लाउड फ्लेयर कैसे कनेक्ट करते हैं और सर्च कंसोल में आप अपनी साइट कैसे ऐड कर सकते हैं वो दोनों एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। crossinema.ml देन चेकिंग वेरिफिकेशन, देन इसको कॉपी करेंगे। अब इधर ऐड रिकॉर्ड पे करेंगे, इसको दे देंगे हम क्या TXT, ठीक है, @, और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इसको कर देंगे हम सेव, तो ये हमारा जो है सेव हो जाएगा, ठीक है। देन कंटिन्यू करेंगे हम। अब ये जो है ये हमारे फ्री नॉम के जो सर्वर हैं ये वो हैं, ठीक है ना। तो अब इधर बताया हु इज़ योर रजिस्टर्ड लॉग इन टू एडमिनिस्टर अकाउंट डोमेन रिमूव द फॉलोइंग। तो अब हमें क्या करना है, इधर फ्री नॉम वाले पे जाना है हमें, जैसे कि इधर आए। अब इधर बैक डोमेन डिटेल पे करते हैं, इस दूसरा वाला है, ठीक है। और इधर हमें करना है नेम सर्वर, ठीक है। सुबह हमने यहाँ पर ये वाले नेम सर्वर डाल रखे थे, है ना। अब ये क्या कह रहा है, इनको डालो। तो हम क्या करते हैं, इन वालों को रिमूव कर देते हैं और फिर इसको भी रिमूव करके ये वाले, ठीक है। अब चेंज नेम सर्वर करेंगे हम,
तो नेम सर्वर चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डन डोमेन चेक नेम सर्वर, अभी चेक करेगा, गेट स्टार्टेड, ये HTTP को ऑन रखना है, ठीक है, और ऑलवेज यूज़ HTTPS, या इसको अभी ऑफ कर देते हैं हम, या चलो ऑन ही कर देते हैं, ठीक है। देन ऑप्टिमाइज, इसको सेव करेंगे हम, अभी इधर है रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ सोर्स कोड ऑन योर वेबसाइट, तो CSS कर देते हैं, तीनों चीज़ें, ठीक है। देन इसको कर देंगे हम सेव, तो ये जो हमारी साइट का कैशे वगैरह ही रिमूव कर देगा, जिससे हमारी साइट जो है काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और मैं अभी आपको अपनी साइट की जो स्पीड है वो भी आपको दिखाऊंगा कि हमारी साइट की स्पीड क्या है। बेसिकली जो नॉर्मल साइट की स्पीड होती है वो 80 से अबव होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि हमारी साइट की स्पीड 80 से अबव होगी या नहीं, ठीक है। तो हम पहले इसको पूरा नेम सर्वर को और सर्च कंसोल को डाल लेते हैं, और इधर वेरीफाई करके देखते हैं पहले जब तक वो हो रहा है, तो अभी तो नहीं मिला है, ठीक है। इसको पूरा हमें सेटअप करना पड़ेगा पहले, तो मैं ज़रा वीडियो, चलो नहीं पॉज कर रहा, चलते हैं सी। ओके, तो ये तो नहीं हो रहा, इधर कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिलहाल। प्रीवियस करते हैं, ठीक है, देन नेक्स्ट सेव करते हैं इसे। अब इसको सबको हटा के अब करके देखते हैं, तो अब तो हो गया, इसको भी सेव कर देते हैं, समरी, ठीक है। तो हमने इसको फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब ओके 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 ओके, ठीक है, हमारा सब कुछ हो गया यहाँ पर। अब पहले तो अपनी साइट को ओपन करते हैं, क्रॉस सिनेमा .ml, ठीक है। तो ये साइट अभी रीच नहीं हो रही है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा मे बी, क्योंकि ये नेम सर्वर वगैरह भी चेंज हुए हैं। ओके, पहले पहले इधर देखते हैं, ठीक है, नेम सर्वर चेंज हो गया सक्सेसफुली, नेम सर्वर सेटअप, इसको ऑन कर देते हैं, नहीं ओके, ठीक है। DNS में चलते हैं, डोमेन नेम सर्वर, तो इधर हमारा साइट का वेरिफिकेशन ऐड है। अब SSL में चलते हैं, अब इसको SSL को भी हम सेटअप करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी साइट लोड हो रही है, तो इसको ओके फुल पे रखेंगे हम, ठीक है। SSL इसको कर देंगे ऑन, तो इससे हमारी जो, ऐसे आप दिखाता हूँ SSL क्या होता है, जो हमारी जो ब्राउज़र को बताया कि हाँ हमारी साइट जो है वो सिक्योर है पूरी। तो जैसे कि ये फाइल सिक्योर है, तो कनेक्शन भी सिक्योर आ रहा है, और इसमें सर्टिफिकेट देखें तो इसमें, इसने भी क्लाउड फ्लेयर का ले रखा है, ठीक है। तो यही होता है SSL, ठीक है, जिससे हैकर वगैरह भी हमारी साइट थोड़ी बच सकती है। अब एज सर्टिफिकेट पे आते हैं, इधर देखते हैं, इधर कुछ है करने के लिए चेंज तो नहीं है, ओवरव्यू देखते हैं, तो इसको थोड़ा होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए वेट कर लेते हैं। जब यहाँ आ जाएगा हमारा ओके, तो अब हमारी साइट जो हो चुकी है मे बी, अभी इसको रिलोड करते हैं, तो अभी तो नहीं आया ये कंट्रोल। ओके, देन अब देखते हैं हम, हमने कहा मतलब शाम के टाइम दोबारा, मतलब रात में अब 12 बजे करीब हम दोबारा देख रहे हैं कि हमारी साइट चली है या नहीं। तो हमारे साइट में कुछ ऐसा एरर आ रहा है, एरर तो DNS एरर आ रहा है कुछ, ठीक है। तो मैं समझ गया कि मैं क्या चीज़, एक चीज़ मैं भूल गया था अभी, जस्ट मैं आपको बताऊँ, तो मैं खुद ही मतलब भूल गया था, तो वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। ओके, ये रहा, तो यहाँ पर हमारी एक IP होती है, तो हमें ना अपनी होस्टिंग की IP भी क्लाउड फ्लेयर में असाइन करनी होती है, जो मैं भूल गया था, वो ये वाली आईडी, अकाउंट डिटेल वाली, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल सी करेंगे, देन हम चलते हैं अपने क्लाउड फ्लेयर वाले में, तो
ओके, ये रहा हमारा क्लाउड फ्लेयर, ठीक है। देन इधर हमारा जो DNS रिकॉर्ड है इसको ऐड रिकॉर्ड करेंगे दोबारा से, और इधर हमें अपनी साइट का नाम डालना, और इधर हमें वाली IP डालनी है, ठीक है। तो हमने वो IP डाल दी। अब साइट का नाम रहा, तो इस साइट को हम डाल देते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर इस साइट को डाल देते हैं, ठीक है। देन इसको सेव कर देंगे। अब हमारा काम हो गया, इधर DNS वगैरह आ गया, अब कंट्रोल आर करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे बहुत जल्द ही साइट लोड हो गई है। मैंने साइड बार, जैसे कि बताया मैंने बताया मैंने साइड बार जो है हटा दिया, क्योंकि वो थोड़ा मेरे को दिक्कत दे रहा था, ठीक है। देन अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारी साइट जो है सिक्योर भी है, ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। हमने एक और चीज़ कर ली। अब बारी आती है हमारी सर्च कंसोल की, ठीक है। तो सर्च कंसोल में चलते हैं, सॉरी सर्च कंसोल। अब इसको दोबारा से हम ऐड करके देखते हैं कि इस बार हमारी जो साइट है वो ऐड होगी या नहीं है। एक्चुअली ये मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था इसको, मतलब IP असाइन करना, मैं बाद में पता चला कि हाँ IP तो हमने असाइन करी ही नहीं थी, ठीक है। crosscinema.ml, इसको सेव करेंगे। देन इस वाले कोड को कॉपी होकर वेरीफाई करना डायरेक्ट, कि कोड तो हमारा वहाँ डला है। तो अभी इधर थोड़ा एरर है कि हमारा ये कोड उसे नहीं मिला है, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं इसको। ओके, कॉपी करा, इधर चलते हैं, इधर हमारा ठीक है, ये तो सही डला है। एक बार दोबारा से इसको पेस्ट करते हैं। ओके, अब ये शायद दूसरा डला है, ठीक है, पहले वाला कुछ और था हमारा। दोबारा देखते हैं, वेलकम टू गूगल, वेरीफाई कर हो जाए तो। ओके, अब ये हमारा वेरीफाई हो गया काफ़ी देर बाद। तो हम गो टू प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो स्टार्ट, अब यहाँ पर आपका थोड़ा मतलब परफॉर्म वगैरह में टाइम लगेगा, बस ये क्या है कि आपकी साइट पे कितना वो सब हुआ है, तो वो सब है, ठीक है। साइट मैप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, स्टार्ट, गॉट इट। साइट मैप का URL देना है हमें, ठीक है, यहाँ पर। और मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, रिमूवल, अगर आपके पास आपने कुछ पोस्ट वगैरह डिलीट करी है और लेकिन उसका URL जो हमारे यहाँ इंडेक्स हो गया, तो वो आप को थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। कवरेज, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। URL इंस्पेक्शन, हम देखते हैं कि हमारी साइट का कोई मतलब जितने पेज हैं उनमें से हमारा कितना इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो crosscinema अबाउट पे चलते हैं, ठीक है, जो कि शायद हमने नहीं बनाया। ओके, अबाउट वाला पेज हमने बनाया ही नहीं था जानबूझ के, क्योंकि ये हम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं ये वाला देखता हूँ कि ये वाला जो मेरा पेज है ये इंडेक्स हुआ है या नहीं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, तो ओके, ये तो ये अभी नहीं हुआ है, क्योंकि एक तो साइट ही हमारी अभी इंडेक्स हुई, तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। बट ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर हमारे ये पेज अगर हमारा काफ़ी 2-3 बाद भी अगर इंडेक्स नहीं होता आपका, तो आपको क्या करना है, इधर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना, जिससे कि ये पेज इंडेक्स हो जाएगा। आप पर्टिकुलर पोस्ट का इंडेक्स कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ये SEO में और सर्च में आने में मदद करेगी, ठीक है। अब बाईसाइकिल, ओके, वेरीफाई कर देते हैं। तो अब ये हमारा हो चुका है वेरीफाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एनालिटिक में चेक करना है कि हमारी साइट पे कितने लोग आए, कितने लोग लाइव हैं, ये सब चेक करने के लिए। तो उसके लिए भी हम करेंगे एनालिटिक गूगल, ठीक है, गूगल के एनालिटिक्स पे जाएंगे, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि हमारी साइट पे कितने लोग लाइव हैं, कितने लोग आ चुके हैं, कितने सेशन बने हैं, कितना बाउंस रेट है, ये सब चीज़ें हमें पता चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ये इसका कोई कोड भी मिलेगा, वो भी हमें डालना पड़ेगा उधर। तो स्टार्ट मेरे दिन में अकाउंट नेम इधर डालते हैं, crosscinema, आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर टाइम जोन सिलेक्ट करना है, इंडिया का देखते हैं, इंडिया का नहीं, कोलकाता का आएगा वैसे फिजिकली। ओके, इधर तो आ ही नहीं रहा हमारा प्रॉपर्टी नेम, crosscinema.ml, ओके, हम इसको लॉस एंजल्स से रख देते हैं, USD डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ओके, इंडस्ट्री कैटेगरी MO,
ओके, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट कर देते हैं ये, वैसे आपके ऊपर आप बनना चाहो तो ठीक है, नहीं बनना चाहो कोई बात नहीं। मेजर ऑल इंस्टॉल एंड रेटिंग ऑनलाइन सेल, मेजर टर्म इंगेजमेंट, ओके ये इसका यहाँ कर देना है। बिजनेस साइज मीडियम रख देना है, स्मॉल कर देते हैं, ऐसा करते हैं। क्रिएट यूनाइटेड स्टेट, आई एक्सेप्ट। देन ये हो चुका है। अब इधर हमें कोड वगैरह मिलेगा तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, वेब पे है, साइट का नाम डालते हैं इधर, क्रॉस सिनेमा डॉट एम एल। ठीक है, वेबसाइट का नाम क्रॉस सिनेमा, सिनेमा। ठीक है, क्रिएट स्ट्रीम कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है, ये कोड जाके आपको अपने हेडर वाले उसमें डाल देना है। तो चलते हैं, हमारी साइट कहाँ है, ओके ये रही। अब इधर फाइल मैनेजर में चलते हैं हम, एचटी डॉक्स और हेडर 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 हेडर, ओके हेडर एडिट, टाइटल के नीचे ही आप इसको यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है, हेड के अंदर तो सेव करेंगे, जैसे हो जाएगा इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, अब अभी चलते हैं हम कहाँ, एनालिटिक में। ओके, अब ये हो गया कनेक्ट साइट टैग, इंटर आईडी कनेक्ट। ओके, ये इसको हटाते हैं, इसका कुछ काम नहीं हमारा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब ओके, यहाँ पर हमारा काम बेसिकली शायद कंप्लीट हो चुका है। क्यों करते हैं, और रिपोर्ट पे चलते हैं। तो इधर देखते हैं हम, अभी इधर थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपडेट होने में। ठीक है, वैसे आप इधर देख सकते हैं क्रॉस सिनेमा डॉट एम एल, ये हमारा आ गया है, तो यहाँ सारी साइट की प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ हमारे कितने यूज़र लाइव हैं, तो यहाँ आ जाएगा कि कितने यूज़र लाइव हैं, कितनी देर रुके, कितना बाउंस रेट है हमारा, तो ये सब चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर मैं जैसे इधर कुछ मिस करता हूँ, क्योंकि ये काम वैसे मैं करता तो नहीं हूँ ये, क्योंकि मैं सर्च कंसोल वर्क यहाँ से ही देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़ा देखो आप टाइम लग रहा है, और वैसे मैं यहीं से देख लेता हूँ। लेकिन अगर आपको एनालिटिक मतलब गूगल एनालिटिक एक ऐप आता है जो आप फ़ोन में ही देख सकते हो, उसमें कि आपका कितने यूज़र लाइव हैं, कितने नहीं हैं, या कितना ट्रैफिक आया आज का, तो वो सब देखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बता देता है, ठीक है, रियल टाइम में बताते हैं कि हमारे रियल टाइम में कितने यूज़र लाइव हैं। तो इधर देखते हैं, अभी तो कोई यूज़र लाइव नहीं है मे बी। ओके, एक व्यूज शायद अभी ने काउंट, ये काउंट कर रहा है अब। ठीक है, तो इट्स मीन हमारा ये वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके होम पे चलते हैं, तो अभी तो कोई नहीं है। इधर दोबारा खोल के देखते हैं क्रॉस सिनेमा डॉट एम एल को, ये खुल गई। अब इधर देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो मे बी अभी आई डोंट थिंक सो कि अभी आएगा ये, अगर आ गया तो बेस्ट है, वरना थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, बाद में ये अपडेट हो ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमारा इतने काम था, हमने अपना कोड वगैरह जो पेस्ट कर ही दिया है। ओके, तो अभी ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक यूज़र है। ठीक है, क्योंकि ये लाइव है तो इसलिए इनने दिखा दिया कि हाँ ये हमारा यूज़र जो है ये लाइव है। ठीक है, और इधर सारा डाटा वगैरह आ जाएगा कि पूरे दिन में आपके कितने यूज़र आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना, तो अभी इधर आप देख सकते हैं दो यूज़र दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, ये रहा। ठीक है, दो यूज़र हमारे दो टैब में खुले हैं, इसलिए इधर दो बता रहा है कि दो पेजेस वगैरह खुले हैं, और एक यूज़र है क्योंकि हमारे एक ही कंप्यूटर में दोनों खुले हैं, इसलिए ये सब बता रहा है। तो अब देख सकते हैं, और इधर देखो लोकेशन भी दिखा रहा है कि न्यू दिल्ली से आया है एक यूज़र। ठीक है, तो अब एनालिटिक का भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। ठीक
ठीक है ना। अब बारी आती है किसकी, साइट मैप की, कि हम साइट मैप कैसे बना सकते हैं। हम सपोज कोई हमारी साइट पे देखना चाहे कि क्या क्या डाला है, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्लैश साइट मैप डॉट XML, ठीक है। ये ज़्यादातर लोग डालते हैं हमारा साइट मैप देखने के लिए, बट साइट मैप तो हमारा कुछ है ही नहीं पेज, तो ये इन्फिनिटी अपने ऊपर ले रहा है। तो लेकिन हमें साइट मैप वाला पेज भी बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे, क्या करना है, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, साइट मैप कैसे करना है। और साइट मैप के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हम इस पर ऐड कैसे लगा सकते हैं और कौन सा ऐड नेटवर्क का भी रहेगा मूवी वेबसाइट के लिए। भी एडसेंस पे अगर आप जाओगे तो एडसेंस अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल है, टॉप लेवल डोमेन वगैरह वगैरह। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी अपनी मूवी वेबसाइट का डोमेन जो अप्रूव्ड पड़ा है उसको अगर आप इस पर लगाएं, तो आप इस पर ऐड लगा सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम बाद इंडेक्स हो जाएगी। और जो मेरी पुरानी वाली साइट थी क्रॉस सिनेमा वाली, सिर्फ उस वाली को मैं हो सकता है डिलीट कर दूँ या दोनों लाइव रहें, या आप देख लेना अपनी मर्जी से। अगर आपको टेस्ट करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप वहाँ से आके आप इन दोनों साइट को देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिलहाल हमारा जो मूवी वाली सीरीज़ थी वो पूरी एंड हो चुकी है। लास्ट हमारा एक पेज, एक वीडियो बची है जिसमें हम ऐड वगैरह लगाएंगे, जो कि मैं मूवी वेबसाइट में नहीं इन्वॉल्व करूँगा, उसे मैं अलग एक अलग वीडियो बनाऊँगा, मतलब चैनल की जो नॉर्मल वीडियो होती है उसमें, ठीक है। फिलहाल मैंने अपना अपनी तरफ से बेस्ट दिया इस पूरी सीरीज़ में, पूरी प्लेलिस्ट में, पूरी ही मूवी वेबसाइट की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। अगर आपको यार कुछ डिसअपॉइंट लगा हो तो यार मैं कमेंट में बताना कि जो चीज़ मिस थी, तो आने वाली अगर मैं कोई सीरीज़ बनाऊँ किसी भी चीज़ की तो वो चीज़ मैं देख सकूँ, ठीक है। और हाँ, एक बार इसमें एडमिन पैनल भी खोल लेते हैं, स्लैश एडमिन, ठीक है। तो यू आर नॉट लॉग इन आ गया, और इसको 41123। और हाँ, जब तक आप ये देखोगे तो मैं इसका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फिर आप ट्राई करने लग जाओ। तो कैटेगरी वगैरह ठीक है, सब चीज़ें हमारी ठीक वर्क कर रही हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपको ये चीज़ रिस्पॉन्सिव नहीं मिल रही है, तो आप यार डिज़ाइन अपनी तरफ से बना लेना, कोई भी डिज़ाइन आप अपनी तरफ से रखना, ठीक है। ये चीज़ आपके ऊपर है। मैं आपको कोड, सोर्स कोड आपको आप हर वीडियो में मिल जाएगा, कोई भी आप वीडियो देखोगे तो उसमें सोर्स कोड प्रोवाइड होगा आपको, ठीक है। और सोर्स कोड आपको डिक्टो ऐसा मिलेगा जो मेरा लाइव में पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही सोर्स कोड आपको मिलेगा। तो कैसे लाइव करना है सब कुछ बता दें मैंने इस वीडियो में, लाइव सर्च कंसोल एनालिटिक्स वगैरह, साइट मैप और एड्स का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि एक सेपरेट वीडियो होगी अलग चैनल की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको प्लेलिस्ट पसंद है तो यार शेयर करो और सीखो नया नया। कुछ नहीं समझ आ रहा तो यार कमेंट में बताओ, कोई नई चीज़ करनी है तो वो भी कमेंट में बताओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।